हाय गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग तो बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं एक ही टॉपिक के बार बार, बार 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 बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम अलग अलग है मतलब कि आपके आधार कार्ड में आपके पैन कार्ड में आपके वोटर कार्ड में और स्पेशली आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में अगर आपकी डिटेल्स आपके नाम आपके पेरेंट्स के नाम आपके मदर्स के नाम अगर डिफरेंट हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स है सरनेम नहीं है तो आपका पासपोर्ट आप कैसे अप्लाई करेंगे क्योंकि पी के वाले आपको वापस भेज देंगे तो इससे रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बना दिया है मैंने पासपोर्ट की सीरीज़ में भी पूरा वीडियो बनाया है आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं वहां जाके सारी वीडियोज़ देख सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है जैसे ही मैंने आपको जैसे कि वीडियो बनाया था ये वाला जो वीडियो बनाया था इसमें मैंने बताया था कि आप न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं जैसे कि आपका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक्चुअली आधार कार्ड चेंज हो सकता है वोटर कार्ड अपडेट हो सकता है पैन कार्ड अपडेट हो सकता है एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो कि टेंथ और ट्वेल्थ के सर्टिफिकेट्स हैं उनको अपडेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है वो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है या फिर उसको करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है वो चेंज नहीं हो सकता आपका और आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी चेंज करना थोड़ा मुश्किल है तो अगर आपके भी साथ यही प्रॉब्लम है आपके बर्थ सर्टिफिकेट में वोटर आई में पैन कार्ड में आधार कार्ड में और डॉक्यूमेंट्स में मतलब पासपोर्ट के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनमें आपके नाम अलग अलग हैं आपके पेरेंट्स के नाम अलग अलग हैं तो आपको क्या करना चाहिए आपको सिंपली न्यूज़पेपर में ऐड देनी है ठीक है जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स का नाम अलग है वहाँ आपको ऐड देनी है कि जो मेरा ये नाम है जैसे कि मेरा नाम बाकी डॉक्यूमेंट्स में एक्स है एक्स है किसी में एक्स वाई है किसी में एक्स जेड है और मेरा ओरिजिनल नाम एक्स वाई है तो मुझे न्यूज़पेपर में लिखवाना है कि मेरे बाकी डॉक्यूमेंट्स में जितने भी नाम है वो सब एक ही आदमी के नाम है जो कि एक्स वाई है एक्स तो वाई मेरा ओरिजिनल नाम है वही मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स में मैं ही हूं मेरा बस डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग नाम है वो एड का फॉर्मेट और जो भी है आपको मिल जाएगा ऑनलाइन ठीक है आप ये वाला वीडियो देख ये वाला वीडियो देख 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 लीजिए 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 ये वाला पासपोर्ट की सारी वीडियो देख अब सवाल उठता है कि न्यूज पेपर एड के लिए जब या तो आपका लोकली आपके कांटेक्ट हैं तो आप लोकल न्यूज़पेपर में अपना एड डलवा सकते हैं ठीक है लेकिन वो भी आपसे पैसे काफी चार्ज करेंगे तो जो मैंने ये वाला वीडियो बनाया था इसमें मैंने बताया था कि आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर पेपर एड लगवा सकते हैं जो कि आपको पाँच सौ हज़ार डेढ़ हज़ार रुपये में दोनों न्यूज़पेपर में इंग्लिश हिंदी इसका पर्पज़ है कि इंग्लिश का मतलब है कि इंटरनेशनल न्यूज़पेपर और एक लोकल लैंग्वेज जो कि आपकी पंजाबी हो सकती है हिंदी हो सकती है और आपकी तमिल हो सकती है मतलब जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपको एक ऐड लगवाना है और एक आपको इंटरनेशनल जो नेशनल न्यूज़पेपर आता है इंग्लिश में आता है उसमें आपको एक ऐड लगवाना है दो न्यूज़पेपर में आपको अपना ऐड लगवाना है और उस न्यूज पेपर की कटिंग आपको विद डेट पूरा का पूरा न्यूज पेपर रखना है कटिंग मत करना और सो मेनी कॉपीज आपको रखनी है ठीक है वो मैंने इस वीडियो में सब बताया है अब आता है कि न्यूज पेपर जब लगवाने जाते हैं तो वो मांगता है आपसे एफिडेविट एफिडेविट कैसे बनवाना है एफिडेविट बनवाने के लिए आपको जाना होगा अपने जो भी आपके जान पहचान के या जान पहचान के नहीं है तो आप गूगल करेंगे तो आपको नोटरी यानी कि लॉयर आप किसी भी एडवोकेट के पास जाकर अगर बोलेंगे कोई मुझे अपना एफिडेविट बनवाना है वो एफिडेविट बनवाएंगे वो आपको बोलेंगे कि क्या आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स है आपके आधार में और आपके वोटर आईडी में एक नाम है और आपकी टेंथ की मार्कशीट में तो तो जो आप नोटरी नो, तो के पास जाएंगे अपने लॉयर के पास जाएंगे वो आपको बोलेगा आपके जो तीन डॉक्यूमेंट्स हैं पहले वो बोलेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जिसका आपको एफिडेविट बनवाना है जैसे आपका आधार और पैन कार्ड में नाम एक ही है ठीक है और आपका टेंथ की मार्कशीट में नाम अलग है तो वो एफिडेविट में बोलेंगे जो बाकी के दो डॉक्यूमेंट्स है ये डॉक्यूमेंट्स आ, में जो नाम है वो एक ही आदमी का नाम है जो कि टेंथ के मार्कशीट में जो आपका नाम होगा समझ आ रहा है समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना बता दूंगी क्योंकि और छोटे छोटे यार आ, सवाल लिखा करो बहुत टाइम लगता है मुझे बुरा लगता है जब मैं लेट हो जाती हूँ सवाल आ, का जवाब देने के लिए तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती तो छोटा लिखोगे तो मैं जल्दी जल्दी, जल्दी जवाब दे दूँगी ठीक है या ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है यहाँ पर जाकर भी पूछ सकते हैं ठीक है नोटरी के पास जाएंगे नोटरी जाके आपको जो लॉयर है आपको एफिडेविट बना के दे देंगे वो वो बहुत सस्ता बनता है मुझे लगता है बीस तीस रुपए का वो लगता होगा नोटरी की फीस जो है उसका मुझे आइडिया नहीं है वो आप पता कर सकते हैं तो एफिडेविट में वो आपके अगर दो डॉक्यूमेंट अलग है तीन डॉक्यूमेंट अलग है चार डॉक्यूमेंट अलग जितने भी डॉक्यूमेंट अलग है ना वो आपको एफिडेविट बना के दे देंगे ठीक है वो एफिडेविट लेके आप उस एफिडेविट की भी दो तीन कॉपियां ले लीजिए क्योंकि आप जब पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो वो आपसे एफिडेविट भी ले लेंगे वो आपको वापस नहीं देंगे तो सेफ साइड ऑफ एफिडेविट की दो तीन कॉपियां अपने साथ रखिए यही एफिडेविट आपको अपने न्यूज़पेपर की जो वेबसाइट है जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान टाइम्स या जहां भी आप अपना न्यूज़पेपर ऐड लगवा रहे हैं वहां पे वो आपसे ऐड लेने से पहले एफिडेविट मांगे कि आपका नेम का प्रूफ क्या है हमारे पास कि आपका एक ही नेम है ठीक है तो वो एफिडेविट का कॉपी आप अपलोड कर दीजिए और वहां से आपका एड लग जाएगा वहां पे आपको वो डेट बता देंगे कि कौन सी डेट को आपका नाम आने वाला है न्यूज़पेपर में ठीक है ये सवाल आया था मेरे पास कमेंट सेक्शन में कि कैसे पता चलेगा जब आप ऐड उसमें करवाएंगे ना उनकी फीस भर देंगे तो वो आपको बताएंगे इस डेट के न्यूज़पेपर में आपका नाम आएगा तो आप उस डेट के वो न्यूज पेपर जहां आपने ऐड करवाया है वो दोनों न्यूज की पाँच पाँच छः छः अपने हिसाब से कॉपी रख लेना क्योंकि वो आपका जिंदगी भर काम आएगा जहां भी ऐसा नाम का प्रॉब्लम होएगा ठीक है एफिडेविट समझ आ गया लॉयर के पास जाएंगे वो आपसे बोलेगा कि किन किन डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम है कौन सा नाम है जो सही नाम है वो सही नाम ही इन सारे नामों में यही आदमी के ये अलग अलग नाम है तो वो इस तरीके का एफिडेविट आपको बना के दे देंगे वो लॉयर बता देगा आपको कि क्या आपका लैंग्वेज होना चाहिए क्या आपका टेम्पलेट ते, क्या होना चाहिए एफिडेविट का ठीक है वैसे ही आप न्यूज़पेपर वेबसाइट पे भी जाएंगे ना तो वो भी आपको बता देंगे कि आपका एड का टेम्पलेट क्या होना चाहिए वहाँ आपको दिख जाएगा तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जैसे इस तरीके से होता है कि मैं आई एम एक्स वाई डॉटर ऑफ वाई जेड एंड इस क्षेत्र की निवासी हूँ और ऐसे ऐसे मेरा जो ये नाम है मेरे आधार कार्ड और पैन कार्ड में ये दोनों नाम मेरे असली नाम के जो कि मेरी टेंथ की, की मार्कशीट में है वही मेरा ओरिजिनल नाम है ये गलत लिखवा दिया गया था समय के साथ तो इस तरीके से वो लैंग्वेज होता है ठीक है तो अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियोस अभी जल्दी जल्दी लाने वाली हूं कई बार लंबा टाइम खींच जाता है तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती अब मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बना दिया करूंगी ताकि आपको परेशानी ना हो और एक और सजेशन मैं आप लोगों से लेना चाहती हूँ क्योंकि मैंने ये चैनल ट्रैवल के लिए शुरू किया था लेकिन मैं देख रही हूँ डॉक्यूमेंटेशन की काफी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को और इस चैनल पे अगर मैं व्लॉग्स डालती हूँ अपनी ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर डालती हूँ तो वो थोड़ा सा नीच मिक्स होता जा रहा है तो आप लोग मुझे सजेस्ट करिए कमेंट सेक्शन में क्या मैं ट्रैवल वीडियोस के लिए अलग से चैनल बनाऊँ या इसी चैनल के ऊपर डालूँ मैं आपके कॉमेंट्स का इंतजार करूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और जिसको ज़रूरत पड़ेगी उसके साथ शेयर कर दीजिए आज के लिए इतना ही हम फिर मिलेंगे चलते चलते तब तो के लिए बाय बाय नमस्कार